छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में शिवाजी महाराज की गौरवगाथा दर्ज है। वे एक महान योद्धा थे। अपने शौर्य पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के चलते मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। वे बचपन से ही निडर और साहसी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। वर्ष 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज की मुगलों से मुठभेड़ वर्ष 1656 से 57 में हुई थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद वहां अराजकता का माहौल पैदा हो गया था, जिसका लाभ उठाते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। उधर शिवाजी ने भी चुनार नगर पर आक्रमण कर मुगलों की ढेर सारी संपत्ति और 200 घोड़ों पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गए। जब बाद में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सम्राट बना, तब तक शिवाजी पूरे दक्षिण में अपने पांव पसार लिए थे। इस बात से औरंगजेब भी परिचित था। उसने शिवाजी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने अपनी 1.5 लाख सेना के दम पर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार करते हुए मावल में खूब लूटपाट की। शिवाजी को जब मावल में लूटपाट की बात की पता चली तो उन्होंने बदला लेने की सोची और अपने मात्र 350 सैनिकों के साथ उन्होंने शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया। इस मामले में शाइस्ता खां बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इस युद्ध में उसने अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। बाद में औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगजेब ने बाद में शिवाजी से संधि करने के लिए उन्हें आगरा बुलाया, लेकिन वह उचित सम्मान नहीं मिलने से नाराज शिवाजी ने भरे दरबार में अपना रोष दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उससे नाराज औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों का पहरा लगा दिया, लेकिन अपने साहस और बुद्धि के दम पर वो सैनिकों को चकमा देकर वहां से भागने में सफल रहे। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई बार मुगलों की सेना को मात दी। बाद में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी दुनिया उनके पराक्रम और शौर्य को नहीं भूली है। यहां तक भारत की आजादी की लड़ाई में कई क्रांतिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और आप देख रहे थे महाखबर। ऐसे ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे महाखबर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।